क्या पानी आ रहा है? इंस्टा रो रहा है तू? क्या हुआ? इंस्टा की तबीयत खराब हो गई, अभी दवाई देंगे डॉक्टर, इंजेक्शन लगेगा। चल तू तैयार हो ले फिर, गाड़ी वाड़ी का तो आज कैंसिल कर दिया मैंने, गाड़ी वाड़ी देखने नहीं चल रहा तो। यार उसकी तबीयत खराब है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल, और स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो आज जाना था गाड़ी देखने, और घर पे भी आ रही थी एमजी ग्लोस्टर टेस्ट ड्राइव के लिए, बट सब कैंसिल करना पड़ा क्योंकि आज इंस्टा की तबीयत खराब हो गई है। देखो दिखाता हूँ आपको, देखो इंस्टा कितना सैड बैठा हुआ है। इसकी आंखों में पानी आ रहा है। इंस्टा रो रहा है तू? क्या हुआ? सुबह से भाई इसने कई बार उल्टी कर ली, अभी सिब्बू साफ कर रही है। सुबह जब सो के उठे सारे, तो यहाँ सारे के तीन चार जगह इसने उल्टी कर रखी थी। अभी इसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, चलेगा डॉक्टर के पास? चल आजा, चलेंगे, आजा, चल आजा। हाँ देखियो एक्टिवनेस भी खत्म होगी इसकी। इंस्टा इधर आजा, चला बाहर चलेंगे डॉक्टर के पास, ठीक है? मैं इसको ले जा रहा हूँ फिर वहाँ। तो गाइस अभी इंस्टा जा रहा है डॉक्टर के पास, लिफ्ट में बैठ चुका है। इंस्टा क्या हुआ बेटा तेरे को, तेरी तबीयत खराब हो गई? सुबह से बेचारे ने बहुत बार उल्टी कर दी, खाना भी कुछ इसने खाया नहीं, हल्का फुल्का खाया था बस। और इसको मैंने दो तीन बार देखा ऐसे ही उदास बैठा हुआ था, आंखों में पानी था इसके। अभी थोड़ा खुश हुआ है कि बाहर लेके जा रहे हैं मुझे कहीं, एक्साइटेड हो जाता है बाहर जाने के नाम पे। देखो इसकी सिप्पू ने क्या मंगाई, गुड गर्ल। चल इंस्टा चल। तो गाइस जाना तो आज गाड़ी देखने था, और घर पे भी टेस्ट ड्राइव आ रही थी गाड़ियों की, बट नहीं जा पाए ना क्योंकि इंस्टा की सुबह से तबीयत खराब है। हमने पहले सोचा कि इसकी तबीयत ऐसी ठीक हो जाएगी, बट इसकी नहीं हुई तबीयत सही, तो अभी डॉक्टर के लिए जाना ही पड़ रहा है। अगर गाड़ी वाड़ी देखने चले जाता तो फिर इसकी तबीयत खराब होती रहती, और फिर इसको डॉक्टर के कौन लेके जाता, तो इसलिए आज गाड़ी वगैरह देखना कैंसिल। चल भाई इंस्टा, ये आ गए हैं हम इसकी क्लिनिक पे, चल। इंस्टा को क्लिनिक पे अपना दोस्त मिल गया, ये देखो क्या नाम है इसका, कॉटन, इसका नाम कॉटन है, कॉटन। इंस्टा इंस्टा तो कितना बड़ा, इससे देख, मेल है फीमेल है? मेल है ना। इसमें भी डॉगी है क्या? इसमें डॉगी है, बुला दो भैया डॉक्टर को। कॉटन इंस्टा नो जाए बुला रहे, इधरा इधरा इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम है इसका नाम, प्यार से इंस्टा बुलाते हैं। ये देखो यहाँ पे इंस्टाग्राम की ट्रीटमेंट होगी, डॉग्स क्लिनिक। इंस्टा चल, क्या कर रहा है? इधरा आजा, आजा इधरा इंस्टा बैठ। अभी इस कॉटन ने ना इंस्टा को बहुत तेज से भोंका, और इंस्टा डर गया, इंस्टा की तबीयत खराब हो गई। अभी दवाई देंगे डॉक्टर, इंजेक्शन लगेगा, सुहा लगेगा इंस्टा तेरे, सुहा इंस्टा। अभी इंस्टा को लगेंगे इंजेक्शन, बस बस हो गया इंस्टा, हो गया बस। कितने लगेंगे? दो बस अब ठीक हो जाएगा, है ना। देख तेरी दवाई ले ली, इंस्टा की दवाई ले ली, स्प्रे ले लिया इसका। अभी तेरा घर चलने का टाइम आ गया, अपने दोस्त को ढूंढ रहा है, ये रहा तेरा दोस्त, देखिए रहा कॉटन। तो गाइज इंस्टाग्राम की पेट क्लिनिक से हम लोग निकल चुके हैं, ये इसकी दवाइयाँ और सब कुछ, इंजेक्शन वगैरह लगे इसको दो, और टोटल खर्चा आया 3,000 रुपये का। चल, नहीं तूने सुबह कुछ खाया होगा बेटा रोड से, तभी तेरे साथ ऐसा हुआ है, आ जा अब चल। कोई नहीं इंस्टू, अब तो ठीक हो जाएगा, ठीक है, तेरी दवाई आ गई, तेरे को इंजेक्शन लग गए, अब तो ठीक हो जाएगा इंस्टू। ओके बोलो ओके। तो गाइज इंस्टा को मैंने दवाई दे दी है, और इसका एक स्प्रे था वो भी दे दिया है, और अभी सिब्बू सफाई कर रही है जो इंस्टा ने उल्टी वगैरह कर दी थी। इंस्टा अब कैसी है तबीयत, है अब ठीक है? चल कोई नहीं सही हो जाएगा, चल तू तैयार हो ले फिर, गाड़ी वाड़ी का तो आज कैंसिल कर दिया मैंने, गाड़ी वाड़ी देखने नहीं चल रहा तो। यार उसकी तबीयत खराब है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे मॉल में चलेंगे वो करने शॉपिंग वगैरह, बाद में हो जाएगी रचित, अगर मान लो तुम चले जाओ अकेले, अगर मान लो मैं भी चली गई तो ये उल्टी करेगा, कुछ दिक्कत होगी तो कौन देखेगा, ऐसी पड़ी रहेगी उसे लपेटता रहेगा। अरे कुछ नहीं होगा, अभी आ जाएंगे एक दो घंटे में, अभी दवाई दे तो दिया आराम हो जाएगा उसे, अभी देख, नहीं हुई तो? देख इतने हम रेडी हो रहे हैं, उसके बाद पता लग जाएगा थोड़े टाइम में कि वो उसको आराम हुआ है या नहीं, अगर नहीं आराम हुआ होगा तो नहीं चलेंगे, और अगर आराम हो गया हो तो चल लेंगे। अब देख गाड़ी तो मैंने वैसे ही कैंसिल कर दी आज की, जितनी भी मेरे को जाना था या टेस्ट ड्राइव के लिए मंगाई थी, अब थोड़ा मॉल वॉल में चल लेते हैं ना, ठीक है?
चलो भाई रेडी हो जाता हूँ, बढ़िया कपड़े वपड़े डाल के रेडी हो जाता हूँ, फिर चलेंगे मॉल में कुछ शॉपिंग कर लेंगे। और अगर इंस्टा की तबीयत ज्यादा खराब नहीं हुई तो हम KGF 2 भी दिखाएंगे। और आज की शॉपिंग करवा रही है सिब्बू, वॉशिंग मशीन भी मैं लूं, शॉपिंग भी मैं करूंगा भाई। और क्या, जूते वूते तुम दिलाओगे? तो 1-1.5 साल से नहीं दिलाया तुमने। जूते दिला दूंगा, बाकी शॉपिंग जूते हील्स 3 फुटवेयर लूंगी अब, हील्स बाकी शॉपिंग तू कराएगी। ठीक, चलो भाई मेरे को जूते दिलवाने हैं सिब्बू को और बाकी की शॉपिंग मेरे को कराएगी। इसको सिर्फ जूते ही नहीं, हाँ ठीक है, उसके अलावा जो भी आज शॉपिंग होगी वो सिब्बू कराएगी। जैसे मेरे को टी शर्ट शर्ट पैंट वेंट जो भी होगा सिब्बू दिलवाएगी आज मेरे को। तो चलो चलते हैं, जल्दी तैयार होगी, इसलिए मना कर दी थी ये जाने के लिए कि इसको शॉपिंग ना करवानी पड़े। तो गाइस ये देखो इंस्टा दवाई खा के यहाँ पे सो गया है, अभी रेस्ट कर रहा है, इसको हम जगाएंगे नहीं। और सिब्बू रेडी हो गई है, शूज डाल ले और अभी हम चल रहे हैं बाहर शॉपिंग करने। तो गाइस गर्मी बहुत ज्यादा रखी है और ऊपर से आज 2-3 बार लाइट भी जा चुकी है, अभी भी लाइट नहीं है। और आज मैंने ये वाली शर्ट डाली है, मैं रेडी हूँ, सिब्बू भी रेडी है, इंस्टा सो रहा है तो अभी चुपचाप से निकल जाते हैं। तो गाइस देखो लाइट गई हुई है, इन्वर्टर ऑन है और अभी हम सीढ़ियों से उतर रहे हैं क्योंकि लिफ्ट नहीं चल रही, लाइट नहीं है, गर्मी इतनी हो रखी है और लाइट जा रखी है भाई, ऊपर सब परेशान है पंखे में। तो गाइस हम लोग एक्सेंट से जा रहे हैं, आज विनय भी नहीं है, विनय की टियागो भी नहीं है, विनय गया हुआ है। वो देखो वो सिब्बू वहाँ खड़ी हुई है गेट खोलने के लिए और गेट बंद करने के लिए। चलो बाहर निकालता हूँ गाड़ी और उसे बिठा लेता हूँ। ये जो गेट बंद करने का और गेट खोलने का काम है ना, अच्छे से किया कर वरना सैलरी काट लूंगा महीने की जो देता हूँ तेरे को। जबकि गाइस ये 12,000 सैलरी भी मेरे पास काम करता है, मुझे बता रहा है, मैं बड़प्पन में कर देती हूँ। अच्छा, और ज्यादा नहीं बोल रही है, अभी उतार के फेंकूंगा तो अच्छा लगेगा तेरे को। गाड़ी मेरी गाड़ी एक्सीडेंट अपने इसकी, तो भाई एक्सीडेंट हो गया इसकी गाड़ी का, मेरी गाड़ी अभी दिखाऊं किसकी गाड़ी एक्सीडेंट, आरसी दिखाऊं एक्सेंट की। गाइस इतना तेज है ना, इसने गाड़ी इसी ने ली थी लेकिन इसने ना मेरे नाम नहीं करी, अपने नाम ले ली। तो मेरी गाड़ी है, मेरी तेरी क्या होता, पहली बात तो बता। अच्छा अब आ गया मेरी तेरी पे, अच्छा रहने दे, अभी बाहर फालतू में लड़ाई होगी पिटेगी, मेरी है गाड़ी, इससे अच्छा चुपचाप चल ले शॉपिंग करवा दे, कोई नहीं देखना जबरदस्ती शॉपिंग भी मैं करवाऊँ। अच्छा मैं तो सर वो हूँ ना आपकी एम्प्लॉय, मैं कैसे दिलवाऊंगी? कोई नहीं सब दिलवाएगी, तनखा काट लूंगा वरना। चुप बैठ जा। तो गाइस अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है, हम जा रहे हैं एम्बियंस मॉल, वहाँ पे कपड़े जूते वॉशिंग मशीन सब मिल जाएगा, तो एक ही जगह पे सब मिल जाएगा, इसलिए एम्बियंस मॉल जा रहे हैं हम आराम से, वरना तो इधर उधर भटकना पड़ता। क्या आराम से ही है, डर लगता है तो डरपोक है ही, अब क्या कर सकते हैं, अभी कोई नहीं, एम्बियंस मॉल चलते हैं। जल्दी दे दो, पीछे गाड़ी रुकी हुई है, अभी सिब्बू अपनी जूते चप्पल लेके आई थी, ये मोची को दे रही है सही करने के लिए, यहाँ सामने इसको दे दियो और बोल दियो कि कल ले जाएंगे हम सही करके रख लेगा, अगर शाम तक सही कर दिया तो शाम को ले लेंगे, मतलब जब भी वापिस आएंगे। हाँ तो सिब्बू दी आई चप्पल और अपनी सैंडल मोची को, दे आई, पता है क्या कहता, मैंने कहा भैया मैंने मेरे 2 हील्स थे टूटी हुई और एक ना बैग था जिसकी जिप खराब थी, जो हम मनाली से तुम बैग लेकर आए थे वो वाला बैग था, उसकी चेन खराब थी, मैंने एक बार भी यूज नहीं किया था, चेन खराब हो गई। तो वो मोची कहता, मैंने कहा भैया कितने पैसे लगेंगे ये 2 हील्स और ये पर्स ठीक करने में, कह रहे पर्स की तो मैं 30 रुपए की चेन लगा दूंगा लेकिन 1 हील्स के ना 150 रुपए लगेंगे ठीक करने के, 2 हील्स थे 300 हो गए। मैंने कहा भैया मेरी 250 की तो हील्स है ये, आप 300 मेरी हील्स मतलब ठीक करने के लिए लोगे, मैं नहीं ना ले लूं, कह रहे मैडम इतने ही लगेंगे, तो मेरे को देनी पड़ी। खैर थी तो 1,000-1,200 रुपए की हील्स वो, तो मैं तो उसको ऐसे ही बोल रही थी कि भैया 200 की तो चप्पल ही है ये, तो फिर नहीं क्यों ले रही है जब सही हो रहे हैं, तो वो दोनों यार और वैरायटीज होनी चाहिए यार, मैं एक्टर हूँ, मैं इतनी फोटोज खींचती हूँ सबके पास देखती हूँ, बहुत होती है मेरे पास, एक ही है और 2 साल से एक जूते के लिए कह रही थी, तूने नहीं दिला रहा चित, वो तो मैंने खुद से जाके एक दिन जूते ले आई थी, एक वही चल, तो आज मैं भी लूंगा जूते, मेरे पास भी नहीं है वैरायटी, मेरे को भी जूतों की वैरायटी चाहिए। तू बहुत महंगे लेता है रचित, 40,000 के जूते हैं, तो क्या होगा दिलवा दे वैरायटी, और मेरे से 2-3 हजार में आ जाते हैं। चल कोई नहीं, मैं थोड़े सस्ते में देख लूंगा, सस्ते में ले ले, चल ठीक है, इतने महंगे लेता है ये 40-45 हजार के जूते भाई, इतने में तो क्या आ जाए भाई। अरे कोई नहीं भाई, अपनी अपनी पसंद होती है। चलो गाइस अभी एम्बियंस मॉल पहुंच जाते हैं, फिर बातें करते हैं आपसे। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was in small? वो देखो गाइस वो रहा सामने एम्बियंस मॉल, अभी गाड़ी लगाते हैं पार्किंग में और चलते हैं अंदर। सो गाइस हमने अपनी एक्सेंट को पार्क कर दिया है और अभी मैं और सिब्बू जा रहे हैं एम्बियंस मॉल। सिब्बू एंट्री इधर है, चल तो सही लग रही है हा? तो सही लग रही है, गोरी चिट्टी मेकअप करके आई है, मैं तो बिना मेकअप के हूँ। तो
तुम भी कर लेते हैं। चिड़की चिड़ों के लिए तो इतनी किलसती है ना तू, क्यों किलसती है इतनी? तो तुम लोगों को क्यों बता रहे हो कि मैंने मेकअप किया है? तो किया है तो किया है। नहीं किया। अभी हम लोग जा रहे हैं जारा में। सिब्बू ने बोला है कि मेरे को जारा से शॉपिंग कराएगी। सिब्बू मेरे को शर्ट दिलवाएगी, दो शर्ट दिलवाएगी जारा से। बता डन। ठीक है तो जारा की दो शर्ट डन। अभी जारा चलते हैं और पसंद करता हूँ कपड़े। गाइस जारा में जाने से पहले हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि ना मैंने कुछ खाया ना सिब्बू ने कुछ खाया, हम दोनों ही भूखे हैं। तो कुछ खाएंगे पहले, फिर जाएंगे जारा में और फिर वहाँ से सिब्बू मेरे को शॉपिंग कराएगी। मशीन मिल जाएगी ना यहाँ पे, पहले कुछ खा लेते हैं उसके बाद कुछ और करेंगे ना। जा रहे हैं ढाबा, ढाबा रेस्टोरेंट है ये, इसमें जा रहे हैं। चल भाई चल भाई। समझ नहीं आया ये ढाबा वाला जो रेस्टोरेंट था ये क्लोज है, कह रहे 7:30 खुलेगा। तो गाइस सिब्बू ने ऑर्डर किया है इडली और मैंने ऑर्डर किया है ये नूडल्स। नूडल्स का नाम देखो एक बार, बहामी गोरेंग फ्रोम टंगरा कलोनी। ये 325 रुपये के नूडल्स है, पर भाई नूडल्स ले लेते खाली यार, ये नाम है इसका ये अजीब सा। तो नई इडली मंगाई है और नहीं, वो कैंसिल हो गया। और इन्होंने बोला है अवेलेबल नहीं है। और मशरूम का कुछ मंगाया ना फिर तुमने? मशरूम चुलबुली। ठीक है। और ये सिब्बू के मशरूम आ चुके हैं, ये मेरे नूडल्स आ गए हैं और ये सिब्बू मशरूम विद ग्रीन चटनी। कैसा टेस्ट? तो भैया मैंने अपने नूडल्स डाल लिए हैं। वेज रोल्स अच्छा है देखो भाई, ये सबसे अच्छा था। सेकंड नंबर ये है, अब ये खा के देखेंगे तब बताएंगे। क्या पता वो फर्स्ट नंबर निकले। पकड़ो तो, चलो खा लो। ये कैसा सिब्बू? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, वो थर्ड है। तीनों आइटम अच्छे हैं मतलब। तो गाइस हमने खाना खा लिया और पेट भर के खा लिया, मैं तो वही फुल हो गया पेट। सिब्बू पेट भर गया पूरा। तो अभी हम जारा जाएंगे, उसके बाद वॉशिंग मशीन भी लेनी है और कपड़े भी लेने हैं और उसने जूते भी लेने हैं। तो देखते हैं पहले क्या मिलेगा। हाँ फोटो खींचो। ठीक है। तो भाई अभी क्रोमा आए हैं। सिब्बू कहाँ गई तू? सिब्बू आगे है। हाँ तो यहाँ से वॉशिंग मशीन लेनी है कपड़े धोने के लिए। चल ढूंढ ले अपनी मशीन, कहाँ मिलेगी तुझे? वो वाली लेनी है ऑटोमेटिक, कुछ ना करना पड़े, बस कपड़े डालो सर्फ डालो सूख साफ के खुद फैल जाए सब हो जाए। हाँ तो वो मिल जाएगी ढूंढ। सिब्बू पसंद कर रही है वॉशिंग मशीन, कौन सी लेगी? यहाँ पे सारे मशीन ही मशीन रखी हुई है, कौन सी लेनी है? ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक। ढूंढ ले। जब फोन से कनेक्ट होती है कहीं पे रहूं, टाइम सेट कर दूं, बंद कर दूं, ऑन कर दूं, कुछ भी कर दूं। वो तो अभी यही लोग बताएंगे कौन सी होती है, ढूंढ ले तू। तो भाई सिब्बू ने वाली वॉशिंग मशीन पसंद करी है 28,500 रुपए की और अभी सिब्बू पे करेगी 28,500। वाओ चल आ जा, पेटीएम उठा ला अपना। पी लिया पानी? ले भी पी ले, मेरा वाले भी, पता नहीं कौन सी ब्रांड है भाई ये, जूलटोन जूलटोन। 26,780 पे कर दे। चलो कोई नहीं, 10,000 करके करवाऊंगा। नहीं हुआ तो अगर तुम तो ऐसा शो कर रहे हो कि मैं कभी करती नहीं हूँ। नहीं करती, तभी तो करवा रहा हूँ। गलत बात है। सही बात, वो तो ऑडियंस बता ही देगी। हाँ व्लॉग में मैं तेरे से करवा लेता हूँ, इसका मतलब हमेशा थोड़ी ना करती। और क्या बेटा, मैं गिनवाती नहीं हूँ। नहीं हुआ भैया, हो गया भाई सिब्बू के फोन से 26,700। सिब्बू ही करती है खर्चा। वो ब्लॉग ब्लॉग में दिखा देता हूँ, असलियत तो मुझे पता है। असलियत? अच्छा मुझे पता है असलियत। चल गाइस ये मेरे से करवाते सारे। तो गाइस क्रोमा से हमने वॉशिंग मशीन खरीद ली है, 26,000 कुछ की है, कल डिलीवरी आएगी घर पे ही। और इसने बिल पे क्या कर दिया, मुंह बना के आंड रही है कि मेरे से खर्चा करवा लिया। ऐसा कुछ नहीं है, इसने मुझे उल्टा बोला था। ऐसा ही है तो मैं तो कह रहा हूँ अभी तो और खर्चा करवाऊँ, अभी तो ज्यादा से कपड़े भी दिलवाएगा। ऐसे जताता है कि मैं कंजूस हूँ, ये हूँ, ये हूँ, वो हूँ। तो है जो सच है, इसलिए तो बुरा लग रहा है। ऐसा नहीं होता तो नहीं लगता ना बुरा। मैं नहीं हूँ और मैं करती हूँ, करने के बाद भी ये बोलता है तो मुझे बुरा लगता है। तो कोई नहीं, अभी तो और बुरा लगेगा क्योंकि अभी ज्यादा से कपड़े भी तो दिलवाएगी।
मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला कि अब बता कहाँ चलना है, कह रही घर चलना है, भूल गई। तो गाइस अभी हम आए हैं ज़ारा और फर्स्ट फ्लोर पे एम्बियंस मॉल में ज़ारा का मेंस कलेक्शन। तो अभी शर्ट वर्ट देखेंगे ज़ारा की, कुछ पसंद आया तो। सो गाइस ये डेनिम की शर्ट पसंद आई है एक, ये देखो इसका पीछे का प्रिंट देखो, ये सही लग रही है। और एक दो कपड़े होते हैं ये तो ट्राई करना है अभी, एक ये और एक ये ट्राई करके आऊँगा। और अभी और भी देख रहा हूँ, ये सही लग रहा है क्या पीछे ये प्रिंट? हाँ ठीक है, ये तो डन है। ये सही लग रही है, ठीक लग रही है। कभी ऐसा कैरेक्टर हो तो चल फिर, ये दो टी शर्ट भी सही है ना। तो गाइस अब ज़ारा से वापस जा रहे हैं, अभी एक शर्ट डेनिम की और दो टी शर्ट पसंद करी है और पसंद करी और ले भी ली। सिबू आ रही है पीछे, आ जा जल्दी जल्दी, क्या हो गया तेरे? हाँ पेट में बहुत दर्द हो रहा है, चल रहे हैं बस अभी। तो अभी चलते हैं, ये हमने ज़ारा से अपने कपड़े ले लिए हैं। जहाँ हम गए थे वो धासु ढाबा करके जो था, वहाँ का खाना थोड़ा मेरे को अच्छा लगा था, टेस्टी था, तो मैंने मतलब मज़े में ज़्यादा खा लिया, तो इसलिए दर्द हो रहा है। मतलब बैक भी हो रही है, वहाँ पे ऐसे कह रही हूँ वो वॉशिंग मशीन में ज़्यादा टाइम लगा दिया ना उन्होंने, और ऐसे जूते पहन के खड़े 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 ये कोई रीज़न हुआ यार, खड़े रहते हैं तो दुख जाता है। अब ज़ारा के गर्ल्स वाले सेक्शन में आ गए हैं, यहाँ पे सिबू की विंडो शॉपिंग चालू। मैं तो नहीं ले रही, मैं देख रही। नहीं आ रही पसंद? नहीं पसंद तो पहले देख कर। तो अभी हम आ गए हैं लिवाइस पे। सिबू क्या पसंद आ रहा है तुझे? कुछ भी नहीं। क्यों भाई कुछ तो ले ले, इसमें झूलेगी रेल में क्यों है? मेरे बैग में दर्द हो रहा है। कोई नहीं झूल ले, रेल में झूल के सही हो जाएगा। हैं टक्कर मारती चल रही, नहीं रुक जाऊं खड़ी हो जाऊं। तो गाइस हम अभी मॉल की पार्किंग में हैं और पार्किंग से निकल रहे हैं अपने घर के लिए। पीछे जो ज़ारा के कपड़े लिए थे वो हैं, वॉशिंग मशीन हमारी ऑर्डर हो चुकी है जो कि कल घर पहुंच जाएगी। और ये सिब्बू कह रही है इसकी तबीयत खराब होने लगी है, तो अभी निकलते हैं घर पे, वरना तो थोड़ी सी और शॉपिंग कर लेते हैं हम। सबसे ज़्यादा टाइम वहीं लग गया वॉशिंग मशीन वाले पे, कम से कम 40-50 मिनट हम खड़े रहे उसी में, इतना टाइम लग गया और थक गया, मैं भी थक गया, ये भी थक गई। तो चलो अभी चलते हैं घर चलते हैं, इंस्टा को देखते हैं इंस्टा की तबीयत कैसी है। तो गाइज अभी मैं वापस आ गया हूँ घर पे और इंस्टा को देखो, इंस्टा की तबीयत अभी भी ख़राब सी लग रही है। इंस्टा कह रहा हम नहीं हुआ इंस्टा, ओ इंस्टा इंस्टा देखो, इंस्टा कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। इंस्टा देख, इंस्टा कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। तो गाइज इंस्टा बस जल्दी से ठीक हो जाए, बाकी इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय गाइस, अभी इंस्टा को दवाई भी देनी है। इंस्टू कितना सैड है इंस्टा, देखो बाय बाय।